हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों फवाद आलम जैसे ठुमके लगाकर खेलना हर किसी के बस की बात नहीं और ना ही पाकिस्तानियों के बॉलिंग एक्शन का कोई मुकाबला है। तो चलिए आज आपको क्रिकेट में नजर आने वाले कुछ ऐसे ही मजा या सीन्स दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले तो हमारे किंग बाबर आजम को देखें, जो शादीशुदा जोड़ों को देखकर दिल जला रहे हैं। इतनी हसरत भरी निगाहें अल्लाह माफ करे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता। इस तरह ये खिलाड़ी अपने ही फौजी को मारने लग जाएगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार, हाथ में आ जाए। अब जैसे कि पाकिस्तानी लेजेंड मिस्माउल हक पूरी टीम को चकमा देने में उस्ताद थे। मेरी वाली मिस्बा की फैन थी, चकमा दे के चली गई साली। ये क्या है? दोस्तों यहाँ पर क्रिस गेल सहाफी बेचारे के तोते ही उड़ा देते हैं। गजब बेइज्जती। अगली वीडियो में विकेट कीपर सरफराज अहमद की क्यूट क्यूट बातें आपको हंसने पर मजबूर कर देंगी। तो आप टाइम पे आ जाना, क्योंकि तो आपको तीन, आप लोग तीन लोग होंगे ना। अच्छा आना भी आराम आराम से, इस चेयर से नहीं आना। इसी तरह सुनील नारायण दुनिया की एक अजीब ही डिलीवरी करवाते हैं, जिसको बल्लेबाज हाथों से ही कैच पकड़ लेगा। तो यहाँ पर मोहम्मद रिजवान का फैन इस बॉलर की सही क्लास लेता है। वो बेचारा डर के मारे आइंदा कभी मोहम्मद रिजवान को अग्रेशन नहीं दिखाएगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब जैसा कि आपके कुछ दोस्त ऐसे ही हरामी होंगे, जैसे यहाँ पर ये प्लेयर ड्रामे कर रहा था। हरामी हो। अगली वीडियो में चचा इफ्तखार अहमद ने पता नहीं कौन सी बला देख ली है। दोस्तों यहाँ पर बैट्समैन को गेंद ऐसी जगह लगती है कि ये बेचारे गुस्से में ही आ जाएगा। मुझे अपने घर जाना है। इसी तरह एम्पायर वाइड बॉल नहीं देता तो शकीबुल हसन बच्चों की तरह चीखना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि इस एम्पायर को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, जो इस गेंद को वाइड गेंद दे देता है। हालांकि बैट्समैन का दूसरा साथी भी हंस रहा था।
साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। दोस्तों लगता है कि फवाद आलम के चूकने में कोई मसला है, तभी तो ये इस तरह से बैटिंग करता है। अगली वीडियो में ये प्लेयर कैच पकड़कर सोच रहे थे ये सारी दुनिया को पागल बना देंगे, लेकिन कैमरे की आंख सबको देख रही थी और ये तो झूठ मूठ का कैच पकड़कर लोगों को खुश कर रहे थे। इसी तरह आ बैल मुझे मार की कहावत यहाँ पर सच हो जाती है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ी अब अपने ही हाथों आउट हो जाते हैं। अब जैसे कि ये वाला कैच तो किस्मत ने खुद पाकिस्तानियों के हाथों करवा दिया, क्योंकि ये किस्मत से ही गेंद टांगों में फंस जाती है। अगली वीडियो में डी कुक को क्या हुआ है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप बाकी सब छोड़ें, आप इस लड़के का बॉलिंग एक्शन चेक करें। ये क्या है? इसी तरह हारिस रौफ को तो आवाज ही नहीं आ रही थी। अब आप इसे बताएं आपको आवाज सुनने आ रही है। अब जैसे कि बाबर आजम भी हारिस रौफ की तरह फंसते फंसते बचते हैं, नहीं तो इनको भी आवाज नहीं आनी थी। दोस्तों यहाँ पर स्कोर निकालते हुए पहले एक खिलाड़ी गिरता है और फिर इत्तफाक से दूसरा खिलाड़ी भी गिर जाता है। अगली वीडियो में फील्डिंग वाले पागल हो जाते हैं कि आउट किसे करना है और कैसे करना है। इसी तरह बल्लेबाज जश्न मनाने के चक्कर में बल्ला ही दूर फेंक देगा। दोस्तों आज के बस इतना ही। ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।